तो गुलाबी सुंडी को लेके हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करूँगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं मनिंदर सिंह फार्मर वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कपास की बुआई का समय नज़दीक आ रहा है और कैसे हम बुआई को अच्छे ढंग से कर सकते हैं ताकि जो आने वाले रोग और बीमारियों से बचा जा सके, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देंगे डॉक्टर अनिल जाखड़ जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पर। तो कैसे हम किसानों को जैसे बुआई में किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या, जैसे गुलाबी सुंडी का काफ़ी प्रकोप रहा है पिछले साल, तो कैसे इन चीज़ों से पहले से बचा जाए, तो इसके बारे में थोड़ा किसानों को बताइए। धन्यवाद। सभी किसानों को मेरा नमस्कार। हमारी जो बीटी नरमे की फसल है इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आजकल आ रही है वो गुलाबी सुंडी की आ रही है। तो गुलाबी सुंडी को लेके हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करूँगा। इसमें सबसे पहला जो हमारे किसान भाइयों को काम करना है वो खेत में जो पिछले सीजन की बनछटियाँ हैं, जो कपास की लकड़ियाँ हैं, उनको अपने खेतों से हटाना है। सबसे पहला काम ये करना है। मार्च के महीने में इस कार्य को हमें पूरा कर लेना है। किसान भाई आपस में मिलके कोशिश ये करनी है कि अपने गांव में जितने भी खेत हैं सभी के खेतों में जो लकड़ियां हैं पिछले सीजन की उन्हें हटवाना है। अगर हटा नहीं सकते तो लकड़ियों को झाड़ के उसमें जो अधखिले टिंडे हैं उन्हें नष्ट करना है, क्योंकि जो अधखिले टिंडे हैं उनके अंदर जो बीज है इसमें गुलाबी सुंडी छिपी रहती है। पिछले सीजन में हमने सर्वे के दौरान ये पाया कि जिन खेतों में बनछटियाँ या कपास की लकड़ियाँ रखी हुई थी उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। इसके बाद जो दूसरा काम करना है, हमें उन हाइब्रिड्स का, बीटी हाइब्रिड्स का चयन करना है जो कम समय में पकते हैं। यानी कि अगर आप बीटी कपास को लंबे समय तक लेते हो तो उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है। तीसरी जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए और उसमें बोकी बननी शुरू हो जाए, जिन्हें हम स्क्वेयर बोलते हैं, तब गुलाबी सुंडी के जो पतंगे हैं वो अंडे देने का काम करते हैं। तो उस समय हमारे किसान भाई अपने खेतों में 2 से 3 गुलाबी सुंडी के फेरोमोन ट्रैप लगाएं, उससे हमें गुलाबी सुंडी के पतंगों की जो व्यस्क हैं उनकी गतिविधि का पता चल जाएगा और उसके अनुसार हम कीटनाशकों का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये 3 काम हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले इन पर ध्यान देना है।